तो साथियों देख रहे हैं लगातार मैं यहाँ घटना स्थल से आप तक यहाँ की जो पल पल की खबर है वो पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि गगन यादव यहाँ पे आए हुए थे, जो पीड़ित परिवार है उनके घर के सदस्यों से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ घर के सदस्यों ने इनसे बातचीत करने के बाद इनको बताया है और क्या न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसके विषय में हम बातचीत करना चाहेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी मजमा लगा हुआ है, प्यार मोहब्बत चाहता हूँ, यही बात हमारे हमसे जुड़े लोग भी जानते हैं। मैं कुछ बात ऐसी नहीं कहूँगा जो बायस हो जाए, जो एक समाज को लेकर चले। मैं चाहूँगा कि प्रदेश में देश में शांति का माहौल बना रहे और दोनों जातियों में प्यार मोहब्बत रहे। इसी क्रम में मैं इतना कहूँगा भड़काऊ पोस्ट जो हो रहे हैं ये भाईचारे को खराब करने के लिए हो रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग करना चाहते हैं जिन्हें रोटियां सेकनी है अपनी राजनीतिक। तो सबसे पहले मैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, उनसे कह देना चाहता हूँ कि ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। किसी ने अपने लोग खोए हैं तो इसको राजनीतिक बिल्कुल ना बनाया जाए। और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है मीडिया की, मैं आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूँ, कोई आदमी अगर आ रहा है तो कोई ऐसी चीज़ आप ना दिखाएं बाहर जो कंट्रोवर्सी बन जाए और जो दो समाज के बीच में भाईचारा खराब करे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है गगन जी। आप युवा हैं, मुझे लगता है तमाम युवा आपको फॉलो करते हैं और आज यहाँ पे ताकि हजारों की संख्या में प्रेमचंद यादव के समर्थक नारेबाजी किए। मुझे लगता है आप जैसे युवाओं को एक संदेश देना चाहिए देश को कि एक ऐसा संदेश जाए ताकि एक शांति का माहौल है। आप नेता हैं और कहीं ना कहीं आपकी बात लोगों तक जाएगी तो लोगों में एक अच्छा माहौल बनेगा। सबसे पहले हम नेता नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जाति विशेष लड़ाई बनाया जा रहा है इस मुद्दे को, सबसे पहले तो आप इस भड़काऊ बयान से लोगों के द्वारा जो आपत्तिजनक बातें करी जा रही हैं, किसी विशेष समाज के द्वारा जो किसी को ट्रिगर किया जा रहा है और लोगों को उकसाया जा रहा है, सबसे पहले इस काम को बंद कीजिए। क्योंकि ये वो समाज है अगर हम सनातन की भी बात करें तो गर्गाचार्य, अगर आप लोगों को पता हो तो, ये यादवों का और ब्राह्मणों का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, ठीक है। तो उस रिश्ते को राजनीति के चक्कर में ख़राब ना किया जाए। अगर ये ख़राब होगा तो ना सिर्फ इस ज़िले में, ना सिर्फ इस प्रदेश में, बल्कि पूरे राष्ट्र में एक जातिवाद का माहौल बनेगा जिससे हम लोग